आप इस पे क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर को भी एक नायल किया गया और आपको भी नायल? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे, तो इंशाल्लाह जब नई पार्लियामेंट आएगी तो इस पर लेजिस्लेशन करे। आप खुद भी एक वकील हैं, आप क्या समझते हैं लॉ को खत्म होने पर? नहीं, कानून तो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल कानून दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। ये जो आर्टिकल 61-62 की जो लैंग्वेज, कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन का पता ही ना हो। इसके इंटरप्रिटेशन का पता नहीं है। देखिए, आइन में जो जुडिशरी से मुतल्लिक इस्लाहात तो होनी चाहिए, आइन में इसके मुतल्लिक इस्लाहात होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं। सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक शख्स को जब आप सामने रख के पूरा आइन बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, उसके से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, डिस्कशंस नहीं होती हैं। एक कम्प्रीहेंसिव पाकिस्तान में आइन में तरामीम की जरूरत है। आर्टिकल 62 भी उनमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की सुमोटो पावर्स को रेगुलराइज करना जरूरी है, बेंच बनाने के मामलों को रेगुलराइज करना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट जजेस की इंडक्शन के मामले को देखना जरूरी है। ये पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, ये दुनिया में वाहिद सिस्टम है जहां पे जजेस कहते हैं कि इंडक्शन भी हम ही करेंगे और इनकी जो निकालने का अख्तियार है वो भी हमारे पास ही होगा। ये किसी दुनिया में और ये नहीं है। या आप जजेस इंडक्ट कर सकते हैं और उनको निकालने का अख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास होगा, या फिर जो पार्लियामेंट है वो जजेस लगाएगी, उनको निकालने का अख्तियार जजेस के पास होगा।